गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जस्ट मैंने एग्लोनिमा लिया और वैसे और कुछ स्टोन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं इसे ट्राई करूँगा पानी और स्टोन के साथ। मैं प्लांट को निकाल लिया गमले से और इसके जड़ को थोड़े अच्छे तरह से साफ करता हूँ। इसे मैं अच्छे तरह से साफ़ कर लिया और उसके बाद कुछ इस तरह से लगाऊंगा कि पानी बस इससे ऊपर ना जा पाए, ठीक है। और स्टोन को भी मैं अभी ट्राई करूंगा यहीं तक रखने का, क्योंकि इसके रूट को अच्छे से पकड़े हुए रहे, ठीक है। और पानी इस तरह से डालूंगा कि इसके ऊपर ना आ पाए, नहीं तो ये गलने लगेगा। फिर इसके नीचे कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में एक छोटा सा टिप, अगर आपको ग्लास का वेसल साफ़ करने में इसमें जैसे पानी का वो पानी का दाग लग जाता है, वो भी साफ़ करने के लिए बहुत इजीली तरीका है। जैसे आप वो टॉयलेट क्लीनर होता है उससे साफ़ कर सकते हैं इजीली। ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा। ये पानी का दाग तो नॉर्मली है, लग ही जाता है। अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी डाल देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी स्टोन से ऊपर मत रखिएगा और रूट के ही रूट तक ही, ठीक है। तो मैं इस लेवल तक पानी यही भर दिया हूँ। अब इसे मैं कहीं भी प्लेस्ड कर देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो इसी एग्लोनिमा का अपडेट करूँगा 15 दिन के बाद, और मैं बताऊँगा कितना प्रोग्रेस हुआ है और कितना अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। थैंक यू।